तो सच बोलूं तो इस बार मायापुर इस्कॉन मंदिर में आने के बाद ही मेरा ख्वाहिश था कि नया जो मंदिर बन रहा है लार्जेस्ट वैदिक टेंपल इन द वर्ल्ड वो दर्शन करूं। और आने के बाद ही मुझे पता चला कि दर्शन करने के लिए कुछ नियम भी है, जैसे सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एक डोनेशन कूपन दिया जाता है पर हेड 50 रुपीज़ करके। तो पहले तो आपको कूपन लेना पड़ेगा जो नया मंदिर के सामने छोटा सा काउंटर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोपहर को 12 बजे और शाम को 5 बजे आपको चले आना पड़ेगा यहाँ पे, और आके लाइन करके आपको अंदर लेके जाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अंदर कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी ख़त्म हुआ नहीं, पर लोगों का भीड़ सच में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे एक घंटा तक लोग आते ही रहते हैं, शायद एक दो घंटा तक दिखाता है मंदिर, जब तक शायद 6 बजे तक दिखाता है जितना मुझे पता है, 6:30 बजे तक, क्योंकि अंधेरा हो जाने के बाद तो कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि अंदर लाइट उतना है नहीं। आप देख ही सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है, मतलब शाम होने से अंधेरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से शाम के टाइम पे अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो फिर आप जल्दी आ जाइए, 5 बजे के अंदर चले आइए, तो अच्छे से देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर है और इमेजिन कर सकते हैं आप देखते हुए कि जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे कितना सुंदर दिखेगा। और उस टाइम पे आप कैमरा मोबाइल तो अलाउ होगा नहीं, तो अभी वीडियो कर सकते हैं आप अंदर का वीडियो। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे दर्शन करते हुए आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ इस जगह पे यही था, इस जगह पे वही था। तो पहले आप यहाँ पे आराम से देख लीजिए, ये अंदर वाला पार्ट है, मतलब बीच वाला जो मंदिर है, बीच वाला मंदिर का जो चूड़ा है ये वाला पार्ट, यही है बीच वाला पार्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शन करने जब बाद में आएगा लोग तो अंदर ये जो हर एक जगह है, छोटा छोटा जो जगह दिख रहा है वहाँ पे आके लोग दर्शन करेंगे। पूरा जो एरिया है ऊपर से नीचे सब जगह से शायद लोग दर्शन कर पाएंगे जितना मुझे लग रहा है। और यहाँ पे दरवाज़ा का नंबर भी दिया हुआ है। और ये जो साइट है ये साइड वाला साइट है, मतलब तीन जो चूरा है मंदिर के ऊपर, बीच वाला चूरा वो था, अब ये साइड वाला है जहाँ पे भगवान नरसिंह जी की मंदिर बनाया गया है। और ये वाला साइड मेरे ख्याल से लगभग पूरा हो चुका है और यहाँ पे पूजा भी हुआ था जब मंदिर का स्थापना हुआ था, यहाँ पे पूजा हुआ था नरसिंह भगवान जी का। और यहाँ ऊपर से भी शायद लोग देख सकते हैं, जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा लोग आएंगे देखने के लिए दर्शनार्थी, तब उस साइड से भी देख सकते हैं। और ये है बाहर वाला जाने का रास्ता, यहाँ पे हर एक दरवाजा का नंबर है मैंने देखा है। और यहाँ से आप नीचे का नज़ारा भी देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा मंदिर है सच में। नीचे से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मंदिर है और नीचे वाला सीन देखने से ही आपको पता चल जाएगा। और सच में आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आप वीडियो वगैरह उठा सकते हैं पर जब मेरे ख्याल से मंदिर कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे शायद वीडियो वगैरह उठाने नहीं देगा। देखिए कितना बड़ा है और यहाँ पे हर एक दरवाजा का नंबर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो कुछ तो कारण होगा। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि जब दर्शन करने आए दर्शनार्थी उस टाइम पे दरवाजा का नंबर दिया जाए कि आपको ये दरवाजा पे जाना है देखने के लिए, वो दरवाजा का पे जाना है देखने के लिए, तो इसी वजह से शायद दिया है दरवाजा का नंबर। और यहाँ पे देख सकते हैं भगवान विष्णु जी का कितना बड़ा मूर्ति भी है। तो मंदिर कंप्लीट हो जाने के बाद भाई साहब कितना सुंदर लगेगा आप समझ सकते हैं। फिलहाल तो अभी भी बहुत काम बाकी है, बस कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। बहुत दिन से मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं जब छोटा था, मतलब बहुत ही छोटा था, उस टाइम पे भी मैंने देखा था कि कंस्ट्रक्शन का काम बस शुरू हुआ है। तो बहुत लोग बोलते थे कि हाँ जल्दी हो जाएगा। अभी तो मैं बड़ा हो चुका हूँ फिर भी कंप्लीट हुआ नहीं, तो सोचिए कितना दिन से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लोगों को पता है कि कितना दिन से चल रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है सच में। एक इतना बड़ा मंदिर अभी मायापुर में बन रहा है तो सच में अच्छा लग रहा है। अभी तो लोगों का जो भीड़ है, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सोचिए कितना ज़्यादा भीड़ होगा। ऐसे भी जब ओपनिंग हुआ था उस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुआ था। आप चाहे तो वीडियो वगैरह है वो देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ हुआ था, पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे यहाँ पे देखने के लिए। और अभी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे जब मंदिर ओपन होगा तो सोचिए उस दिन कितना ज़्यादा भीड़ होगा। वैसे भी आज मैं आया हूँ तो आज भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, सच बोलो आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और मैंने सोचा नहीं था जितना ज़्यादा भीड़ होगा। वैसे भी ये यहाँ पे संडे करके भीड़ होता है पर आज संडे नहीं था, कुछ ओकेशन था शायद इसी वजह से और भी ज़्यादा भीड़ हुआ है। तो यहाँ पे दोनों साइड में भगवान विष्णु जी का बहुत ही बड़ा बड़ा मूर्ति बनाया गया है। और मैं सोच रहा हूँ जब पूरा मंदिर कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे कितना सुंदर लगेगा ये जगह। और अंदर जो ये दिखाई दे रहा है आपको तीन है,
तीन मंदिर है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि भगवान जी जगन्नाथ बलराम जी और सुभद्रा जी का मूर्ति हो सकता है, यहाँ पे मंदिर बन सकता है। और ये पूरा जगह परिक्रमा करने के लिए शायद बनाएगा और दीवार में अच्छा अच्छा मूर्ति लगाएगा। तो देख सकते हैं अब कितना बड़ा एरिया है ये, अंदर में ऐसा लग रहा है सच में बहुत ही बड़ा एरिया है। देख सकते हैं अब तीन मंदिर है यहाँ पे और मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि भगवान जगन्नाथ जी बलराम जी और सुभद्रा जी का मूर्ति होगा यहाँ पे। और इसी वजह से शायद इतना बड़ा मंदिर किया गया है इतना एरिया लेके, क्योंकि उस टाइम पे जब पूजा होगा तो कितना लोग आएगा यहाँ पे, तो इसी वजह से शायद इतना बड़ा मंदिर किया गया है। और अच्छा लग रहा था इतना बड़ी मंदिर घूमने घूम के देखने में। तो अभी वापस जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि तीन जो है तीन मंदिर यहाँ पे बनेगा। एक साइड में आपने देखे ही होंगे कि भगवान नरसिंह जी का मंदिर होगा, उसके बाद शायद जगन्नाथ जी बलराम जी सुभद्रा जी का होगा, और एक साइड वहाँ पे बंद है, वहाँ पे जाना अलाउ है नहीं, तो पता नहीं उस साइड में कौन सा मंदिर होगा। तो तीन चौराहे तीन मंदिर होगा यहाँ पे। और यहाँ पे बाहर निकलने के बाद एक छोटा सा ब्रिज जैसा भी किया हुआ है जहाँ पे लोग फ़ोटो वगैरह उठाने में बिज़ी है, तो मैं भी थोड़ा जाके देखने लगा। और ये ब्रिज शायद इसी वजह से किया है कि साइड में जो भवन है वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं, जो मेंबर है डायरेक्ट मंदिर में आ सकते हैं, तो भवन में जो लोग रह रहे हैं वो भी डायरेक्ट आ सकते हैं, इसी वजह से शायद ये ब्रिज किया गया है। और अच्छा लग रहा था।